नमस्कार दोस्तों, दिल्ली का काला बंदर यानी मंकी मैन एक बहुत ही असाधारण प्राणी था जो कि साल 2001 में दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में दिखाई देता था। मई 2001 में रात के समय एक काले रंग का भयानक प्राणी प्रकट होते ही इंसानों पर हमला कर देता। जिन लोगों ने इसे देखा उनका कहना था कि इसकी लंबाई 4 फीट, सारे बदन में काले घने बाल, चेहरा हेलमेट से ढका हुआ, लोहे के पंजे और लाल आंखें थीं। ये आधा इंसान जैसा दिख रहा था और आधा बंदर जैसा। ये बंदर रात में छत पर सोने वाले लोगों पर हमला कर रहा था। इसका डर इतना बढ़ गया कि इसे देखते ही लोग छत से भी कूद जाते थे। इससे बचने के लिए कुछ लोगों ने अपनी टीम बनाई और रात को पहरा देना शुरू कर दिया। तो आइए जानते हैं इसी मंकी मैन के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगी एकदम ऑथेंटिक जानकारी, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो दबा दीजिए इस लाल बटन को। Does the monkey man actually exist in our capital? अपनी को बंदर तो हम आज भी कहते हैं, लेकिन बंदर मानव, बंदर को मानव कहने की प्रथा तो 2001 में चली टेलीविजन चैनलों में। मंकी मैन 8-2 इंच का, एक पूरे बदन पे काले काले बाल, नाखून कैसे चमक रहे थे। इस अजीब से साए को नाम दिया गया था काला बंदर, लेकिन आज तक यह कोई नहीं जान पाया कि यह काला बंदर कैसा था। पुलिस ने दावा किया कि उसने काले बंदर को पकड़ लिया है, लेकिन कब और कैसे कोई नहीं जानता। यह एक परछाई के रूप में लोगों को नज़र आ रहा था। इस बंदर की वजह से 3 लोगों की जान चली गई और कुछ दर्जन भर लोग घायल भी हुए। कुछ लोग बताते हैं कि यह आधा इंसान जैसा था और आधा जानवरों जैसा। वह 6 फुट लंबा था और लंबी छलांगें भी मारता था। यह काला बंदर या मंकी मैन हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोगों पर हमला कर रहा था और कोई नहीं जानता कि यह क्या था। कुछ लोगों का कहना था कि यह पाकिस्तान का भेजा आतंक है। यह काला बंदर छतों के रास्ते आता और वहीं से कूदता हुआ गायब हो जाता। इसका डर इतना बढ़ गया कि जब लोग इसे अपने आसपास आता हुआ देखते तो छतों से ही कूद जाते थे। यह अक्सर उन्हीं गरीब इलाकों में आता जहां लोग छतों पर सोते थे। 6 फुट लंबा यह काला बंदर लोगों के पैर और कमर को निशाना बना रहा था। वह रात को सोते हुए लोगों पर हमला करता और इसी डर के कारण लोगों ने छत पर सोना भी बंद कर दिया। पुलिस ने इसका जो स्केच बनाया और लोगों ने इसका जो हुलिया बताया, उन दोनों में बहुत अंतर था। पुलिस के अनुसार वह 5 फीट का था और काला कोट पहनता था, जबकि लोगों के अनुसार उसकी आंखें चमकती थीं और वह हेलमेट भी लगाता था। वैसे इस काले बंदर या मंकी मैन को इतना ज़्यादा बड़ा बनाने वाला मीडिया ही था, जो 24 घंटे सिर्फ इस काले बंदर की खबरें चलाता रहता। कुछ लोग इसे हिंदू देवताओं का भी रूप बताने लगे और कुछ लोगों के अनुसार ये उन्हीं पर हमला कर रहा था जो लोग गलत थे और पाप करते थे। आखिर में दिल्ली पुलिस यह दावा करती है कि उसने काले बंदर को पकड़ लिया है और मीडिया के साथ मिलकर लोगों के दिलों से काले बंदर का डर निकाल दिया जाता है। लेकिन दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात निकलकर सामने आती है कि मंकी मैन जैसा कोई आदमी या जानवर नहीं है, यह लोगों की महज दिमागी उपज है। मंकी मैन का आतंक दिल्ली में यमुना पार के इलाकों से शुरू हुआ था। उस वक्त इस मामले पर बारीकी से निगाह रखने वाले नई दिल्ली के रेंज के जॉइंट पुलिस कमिश्नर रिटायर्ड IPS सुरेश राय ने NBT को बताया कि हर रोज हमें मंकी मैन द्वारा घायल करने की कॉल मिलती। शुरुआत में लगा कि यह मसला 1-2 दिनों में थम जाएगा, लेकिन उस वक्त मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के ना होने के बावजूद भी यह अफवाह दिल्ली में दिनों दिन आग की तरह फैलती रही और हमारे पास मंकी मैन द्वारा घायल करने की कॉल आती रही। उनका कहना था कि हमने तय किया कि इन सभी का मेडिकल कराया जाएगा, ताकि कम से कम हमें यह तो पता लगे कि क्या इन्हें किसी जानवर ने काटा है। लेकिन एक भी केस ऐसा नहीं मिला जिसमें किसी का जख्म एनिमल बाइट द्वारा दिया गया हो। लेकिन तमाम घायलों की बारीकी से जांच करने के बाद हम एक मामले में किसी जानवर द्वारा पंजा मारने या फिर काटने का कोई सबूत नहीं मिला। दिल्ली पुलिस ने लक्ष्मी नगर से एक शख्स को गिरफ्तार किया। उसके पास मंकी कैप थी और उसके पास एक मेटल का पंजा भी था। वह एक मानसिक रोगी था और लोगों को इस तरह से डरा रहा था। उस वक्त के दिल्ली पुलिस के PRO रवि पवार का कहना था कि मुझे याद है जब मंकी मैन की अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा तो हमने ऐसे लोगों के खिलाफ FIR करना शुरू कर दिया। पवार ने बताया कि इस मंकी मैन की खबरों में जरा भी सच्चाई नहीं थी, बस यह लोगों का एक वहम था और इस वहम ने ऐसी हवा को जन्म दिया कि कितने ही लोग इसे सच मान बैठे, कितने ही लोग अपनी परछाई से डरकर छत से गिर गए। इनमें काफ़ी लोग घायल हुए और कुछ की मौतें भी हुईं। जितने भी लोग घायल हुए थे उनसे जब क्रॉस इंक्वायरी की गई तो कोई भी यह नहीं बता सका कि हाँ, उसने अपने सामने मंकी मैन को देखा था। सब यही कह रहे थे कि उन्हें लगा कि मंकी मैन ने उन पर हमला किया है। अगर कोई नॉर्मल बंदर भी किसी की छत पर आ रहा था तो लोग उसे भी मंकी मैन समझकर उससे डर रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस की जाँच पूरी होने पर यह महज एक अफवाह निकली। अब आपको मंकी मैन के बारे में क्या लगता है? या मंकी मैन सच में था या यह सिर्फ एक साजिश थी? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।